हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बेनामली 191 से लागू करो, लागू करो। बेनामली 191 से लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारा जो मसला है बेनामली का, फिफ्थ पे कमीशन 191 से चला आ रहा है। फिफ्थ पे कमीशन में हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। सिक्स पे कमीशन और सेवन्थ पे कमीशन एज इट इज़ रहा। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबके पास अप्रोच की है, लेकिन किसी ने हमारे इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की और एज इट इज़ टाइम किल किया है, लारे वादे और जहाँ से ही दिए। अभी गवर्नर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि इस दौरान मसले को हल किया जाए। हम सीनियर सिटीजन लगातार प्रोटेस्ट और धरना पर उतरते हैं, हमें शर्म आती है, लेकिन गवर्नमेंटों को एहसास नहीं हुआ। तो हम ये गवर्नर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। दूसरी बात यह है कि 2017 से सेंटर एम्प्लॉय को 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जबकि हमें वही 300 दिया जाता है। तो इस पर भी गवर्नर साहब से दरख्वास्त है कि इसको भी हमारे मसले को हल किया जाए, 1000 रुपया हमारा मेडिकल अलाउंस किया जाए। दूसरी बात ये एक और है, डीजी साहब के जो सर्कुलर निकाले हैं, किसी एसएसपी और डीएसएचओ ने ये उस पर कान पर जू नहीं सिर की, वो सिर्फ ये ओनली फॉर पेपर। अभी मैं 30 तारीख को आईपीएस विनोद कुमार जी से मिला और उनसे रिक्वेस्ट की और सर्कुलर उनको बताए। वो पहली तारीख को एक हमारा जवान पुरुष में है, वो उसकी डेथ होती है, उसको बाजाबता गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 3 डीएसपी साहबान किए। तो इसी तरह उनका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इसी तरह जितने भी यूटी के एसएसपी साहबान हैं, एसएचओ हैं, उनको इसका सबक लेना चाहिए।